ओके, तो अब यहाँ पर एक दूसरे तरीके से हम टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हर आइटम पर टैक्स अलग लगा हुआ है, मतलब एक टैक्स नहीं है। इस वाले केस के अंदर हमारे सब पर एक ही टैक्स लग रहा था, लेकिन इस वाले केस के अंदर टैक्स बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग किस तरह है जरा उसको कैलकुलेट करके भी हम देखते हैं। तो यानी कि इस केस में क्या होगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये एक आइटम जो है शैम्पू 1500 रुपए का है, चार पीस लिए 6000 रुपए का है, 6000 पे 18% टैक्स अप्लाई करना है। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखें, एक ही सेल के अंदर जब हम ये तीनों चारे बातें एक साथ करेंगे तो पहले इसका आंसर हम सपोज कर लेते कितना होगा। भाई 6000 रुपये पर अगर 18% टैक्स लग रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 100, तो बन रहा है 1080, और 6000 उसमें ऐड करेंगे तो 7080 रुपये आंसर आना चाहिए इसका। तो यहाँ पर आके हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो लाइन टोटल को हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जो भी हमने सीखा था। क्लिक करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे, सम करके और उसको यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्वान्टिटी के साथ, और क्लिक करके एंटर करेंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे, सम करेंगे, अब देखिएगा सम करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स अमाउंट। फिर जरा ब्रैकेट से बाहर आएंगे आप, ये देखिए ब्रैकेट से बाहर कैसे आएंगे, ब्रैकेट से बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस करेंगे। वंस अगेन किसको प्लस करूं, अब इसके अंदर दोबारा से प्लस कर देंगे लाइन टोटल को। समझ में आई? मतलब E10 मल्टीप्लाई बाय F10 से कैलकुलेट हो गया 18% टैक्स, जो कि बना 1080। 1080 को वंस अगेन प्लस कर दिया E10 के अंदर जो कि था 6000, तो बन जाएगा 7080। तो यहाँ पर इस तरह से इस फंक्शन को अप्लाई करने का मकसद ये है कि बाद अवकात हर आइटम पर टैक्स अलग भी इम्पोज हो रहा होता है। तो अगर सब पर टैक्स अलग अलग इम्पोज हो रहा है तो उसको आप इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व करेंगे, तो हर किसी का टैक्स अलग अलग अप्लाई होके आपका टोटल बन जाएगा। ये इसकी टोटल प्राइस है, ये इसकी टैक्स प्राइस है, ठीक है, टैक्स के साथ। और यहाँ पर हम इसको टोटल करके यहाँ पे सम कर लेंगे और यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट आ गया। अब टोटल टैक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये तो और मसले की बात हो गई ना। यहाँ पर तो टोटल टैक्स अमाउंट भी तो निकालना है ना। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे क्या किया था, टैक्स के साथ अमाउंट को प्लस कर दिया था, अगर हम उसको प्लस नहीं करें फिर क्या करेंगे, फिर हम इस वाले हिस्से को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से अब इसकी टोटल टैक्स प्राइस आ रही है ये 1080, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सारे टैक्स, यानी कि टोटल प्राइस यहाँ आ गई, टैक्स प्राइस यहाँ आ गई। अभी भी इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है टैक्स प्राइस के अंदर, देखते हैं जरा। हाँ सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे क्लिक करके सम करेंगे, सम करेंगे, टोटल जो है वो यहाँ से टोटल कर लेंगे और टैक्स का टोटल जो है हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आपको दे देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो देखें भाई अब क्या हुआ, इसकी टोटल प्राइस बनी 6000 और इसकी टैक्स कितना बन रहा है 1080, इसकी टोटल प्राइस कितनी बन रही है 33600 और इसका टैक्स कितना बन रहा है 5712 5000, ठीक है। अब सबका टोटल आ गया यहाँ पे 1,10,700 और यहाँ पे सबका टैक्स अमाउंट आ गया कितना 14,799 रुपए। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालेंगे तो सम करेंगे और फिर टोटल अमाउंट में प्लस करेंगे टैक्स को, जैसे क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो ये निकल आया 1,25,499 रुपए विद टैक्स। इसमें प्राइस है 1,10,700, टैक्स है 14,799, टोटल प्लस 1,25,499, अब डिस्काउंट देना है 12%। सम करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और इंटर कर देंगे तो आपका डिस्काउंट आ गया 15,059 और यहां से इसको अब क्या करेंगे, नीचे जाके सम करेंगे और 1,25,000 में से माइनस कर देंगे 15,000 को, इंटर करेंगे तो ये देखें आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकल आया। तो देखिए केस थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया था लेकिन तरीका वही था, अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना आता है तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट पर डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात ये।